नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिषोलॉजी में। आज की वीडियो होने वाली है बेहद खास, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक तीन युग सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। विष्णु जी के अनुसार कलयुग ग्रंथों में कलयुग से जुड़े एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलह क्लेश होने लगेगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेंगे, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। उसके बाद शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, मनुष्य पूजा पाठ, व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी, मानवता नष्ट हो जाएगी। लद्दिकियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी भाई बहन कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी कालखंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्रों में सबसे श्रापित युग बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे धरती से धर्म का नाश होने लगेगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर पुण्य धरती लोक पर धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत काल मतलब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में ऐसी कौन कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ, ताकि आप भी यह जान सकोगी श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग कैसा होगा। अगर देखा जाए तो महाभारत सिर्फ हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ के अनुसरण से सारी मानव जाति को जीवन का संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है। क्योंकि महाभारत में मनुष्य से जुड़े ऐसा कोई विषय नहीं जिसका वर्णन इस धर्म ग्रंथ में ना किया गया हो। उन्हीं में से एक प्रश्न का वर्णन आज के समय यानी कलयुग से जुड़ा हुआ है। महाभारत के अनुसार एक बार द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद पांचों पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव, द्यूत में अपना सब कुछ गंवाने के बाद हम पांचों भाई द्रौपदी के साथ बन जा रहे हैं, लेकिन हम सभी के मन में प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, पहले तुम पांचों भाई वन जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें सभी के प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। फिर पांचों भाई ने जाकर जो देखा उसे देखकर वह चौंक गए। फिर शाम को आकर पांचों भाई ने एक एक करके श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने क्या देखा। नंबर एक, भीम ने कृष्ण को बताया कि मैंने देखा एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया, लेकिन वह अपने उस बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा बेचारा लहू लुहान हो गया, जिसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए कि भला कोई मां अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि इसका यह अर्थ हुआ कि कलयुग की माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण देह मोह माया में पड़कर बर्बाद हो जाएगी
और जब किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, लेकिन किसी का अपना बेटा साधु बनेगा तो वो रोएगी। मेरे बेटे का क्या होगा, इतनी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। नंबर दो, अर्जुन ने बताया कि मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी। वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, इसका यह मतलब हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे और कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे। उनके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, और कलयुग में हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब इसको इस पद से हटे और हम उस पर बैठ जाए, और बहुत कम लोग ही महापुरुष और संत होंगे। नंबर तीन, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया, तब मैंने देखा कि एक हाथी के दो सूंड है, और यह देखकर मैं तो हैरान रह गया। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ और अपनी प्रजा का शोषण करेंगे। मतलब यह कि कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा, वह तो बस राज करने के लिए शासक होंगे। नंबर चार, उसके बाद सहदेव ने बताया कि मैंने वन में देखा कि एक जगह 6 से 7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, लेकिन बीच वाला कुआं काफी गहरा है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। यह देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण सहदेव से बोले, इसका यह अर्थ हुआ कि कलयुग में पैसे वाले लोग अपने बेटे बेटी की शादी में या आलीशान घर बनाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन उसके पड़ोस में या उसका कोई भूख से मर रहा होगा तो वह उसकी कोई मदद नहीं करेंगे, और कलयुग में मनुष्य मांस मदिरा भक्षण सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, लेकिन किसी के दो आंसू पूछने में उन्हें कोई रुचि नहीं होगी। नंबर पांच, फिर नकुल ने श्री कृष्ण से कहा, मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से बड़ा सा पत्थर लुढ़क कर सभी बड़े बड़े पेड़ों को नीचे गिरा देता है, फिर अंत में एक छोटे से पौधे से टकराने से वह रुक गया। यह देखकर श्री कृष्ण नकुल से बोले, इसका यह तात्पर्य है कि कलयुग में मनुष्य के अमर नीचे गिर जाएगा या मनुष्य का जीवन पतित हो जाएगा, और ऐसे में मनुष्य का जीवन धन की शिला से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, लेकिन हरि नाम और हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे कि जब आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा तो भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके बाद कृष्ण जी आगे कहते हैं कि कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल के रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा, और उसके बाद जो नया युग आएगा जो सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी, और फिर से नवयुग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, वाकई में श्री कृष्ण की यह सभी बातें सही साबित हो रही हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।